नमस्कार, मैं अनुजा वाराणसी से बोल रही हूँ और आज हम यहाँ एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, तो आइए उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दें। अनमोल सेवा समिति और एआर फाउंडेशन एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन रियल हीरोज अवार्ड। तो आइए आप लोग भी इसे देखिए, ये दिव्यांगों को समर्पित है। दिव्यांग जो बिल्कुल अपने आप में अंदर से टूटे हुए से होते हैं, तो हम सब उनके लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए बराबर इस टाइप के प्रोग्राम की मुहिम छेड़ रखे हैं। तो आप सबों की सहायता की, आप लोगों के कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं बात करती हूँ गली समाज के उन बच्चों की जिनके पास तक ना मंच पहुँचता है ना मीडिया पहुँचता है, और उसके बाद भी वो निस्वार्थ भाव से देश के लिए, समाज के लिए कार्य करते हैं। तो इंडियन रियल हीरोज का जो मंच था ये आज यहाँ BHU में जो हमने ये अनमोल सेवा समिति और एआर फाउंडेशन ने कार्यक्रम किया, उसका एक ही मकसद है कि गली मोहल्ले में काम करने वाले वो बच्चे हमारे रियल हीरोज हैं जो समाज में अपना किसी भी प्रकार से योगदान दे रहे हैं। ये आपकी संस्था एआर फाउंडेशन कब से काम कर रही है? एआर फाउंडेशन पिछले 8-10 सालों से कार्यरत है और हमने अब तक करीबन 600 से 700 दिव्यांग सर्वाइवर्स के लिए काम किया है, और हम ऐसे सर्वाइवर्स पर काम करते हैं। और आज हम जो अनमोल सेवा समिति जैसी अनेकों संस्थाओं के साथ हम हर शहर में कोशिश है कि जगह से लोगों को जोड़े। बहुत अच्छा लगा कि आज भारतवर्ष से विभिन्न क्षेत्रों से समाज सेवी लोग यहाँ आए और उनके कार्यों को जानने का भी हमें मौका मिला,
क्योंकि हम लोग अपने फील्ड में हर लोग काम कर रहा है लेकिन एक दूसरे को जानने का मौका ऐसे अवार्ड फंक्शन में मिल पाता है। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें इस लायक समझा गया कि हमें भी इस रियल हीरो अवार्ड से नवाजा गया रोटी बैंक वाराणसी को। और बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग के हौसला को इस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है कि हम लोग और बेहतर कार्य समाज के लिए कर सकें। जी मैं अनमोल सेवा समिति का फाउंडर हूँ और मैम के द्वारा से हमने जो है कि इस प्रोग्राम का आयोजन किया दिल्ली से, उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेट किया कि अरविंद ऐसे करना है ये करना है, मैं उनके मार्गदर्शन पर काम किया। और हमारे बगल में ईश्वर मतलब तिवारी भाई साहब हैं जिनके मार्गदर्शन में हम हमेशा कुछ भी दिक्कत होती है भाई साहब से भाई। अनमोल सेवा समिति के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि इन्होंने वो काम किया है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानी हुई मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो आज इन्होंने यहाँ एक बहुत खूबसूरत कारवां भाई ने जोड़ा है और एयर फाउंडेशन के ये यूपी स्टेट के डायरेक्टर भी हैं। तो मैं हमेशा यही विशेष करूँगी कि जीवन में निरंतर तरक्की करें, बहुत आगे जाएँ और इन भाइयों के साथ मेरे साथ रहे और हम लोग ऐसे ही समाज के लिए कार्य करते हैं। एयर फाउंडेशन और अनमोल सेवा समिति की मैं महिला विंग अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते लोगों का काशी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर लेते हुए मैं यह बताना चाहती हूं कि यह देश के 31 रियल हीरो का अवार्ड है। हमारी नज़र में अमिताभ बच्चन, विवेक ओवेराय और शाहरुख खान हीरोज नहीं है, बल्कि वो हीरोज हैं जो 75% हैंडीकैप्ट हैं, जो 100% हैंडीकैप्ट होते हुए भी समाज में अपना जो योगदान दे रहे हैं, उस योगदान को किस तरह से वो अपने लाइफ को जी रहे हैं और वो अपने लाइफ को जीते हुए जिस तरह से वो समाज में एक योगदान दे रहे हैं, हमारे ख्याल से वो हमारे रियल हीरोज हैं। ऐसे रियल हीरोज का हम सम्मान यहाँ पे कर रहे हैं और व्हील चेयर फैशन शो हमारे रायपुर की टीम जो है वो लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई है। मेरा नाम विद्या है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और इस फंक्शन में मैं पार्ट करने आई हूँ एज अ व्हील चेयर फैशन मॉडलिंग के लिए। अनमोल सेवा समिति और एयर फाउंडेशन इंडियन रियल हीरोज अवार्ड शो करने जा रहा है, तो सर आप उस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं? देखिए ये प्रोग्राम अनमोल सेवा समिति और एयर फाउंडेशन कर रही है और हमारे साथ से शायद बनारस में पहली बार इस तरह का कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा है जिसमें दिव्यांगों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है और हमें आशा है कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे जिससे दिव्यांगों का हौसला अफजाई होगा। मेरा नाम राजीव टंडन है, मैं बनारस से रहूँ। तो क्या आप लोगों का सपोर्ट आगे रहेगा? हाँ बिल्कुल, बहुत सपोर्ट रहेगा और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं इन दोनों फाउंडेशन के साथ में कि ये काम इसी तरह आगे बढ़ाते रहें और उन लोगों को जिनका कि हौसला तो नहीं हम कहेंगे उनका और हौसला आगे बढ़ाएं, ये लोग इस तरह के प्रोग्राम से हम लोगों का और लोगों का हौसला आगे बढ़ेगा। संदेश है, ये ऐसा मंच है जहाँ हम आकर अपनी एक खुशी मिलती है और एक ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमें यहाँ बुलाया गया, मैं मिर्जापुर से आ रहा हूँ, नीलिमा दीदी एयर फाउंडेशन और अनमोल सेवा समिति की तरफ से मैं मिर्जापुर से बुलाया गया हूँ। मैं एक टीचर हूँ और बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ एयर फाउंडेशन के बारे में। एयर फाउंडेशन के बारे में आप क्या कह रहे हैं? वो मेरे पहले ऐसे मंच है जहाँ मुझे पहली बार मुझे गांव से बाहर दिल्ली में जाने मतलब गांव से बाहर निकलने का मौका मिला एयर फाउंडेशन। वहाँ से फिर मैं जीटीवी पर गया, इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज वहाँ पर भी गया और भी जैसे बहुत जगह गया, लेकिन पहला मंच वही था एयर फाउंडेशन जिसने मुझे मंच दिया। तो क्या आप हमें और भी ऐसे आप जैसे कलाकार को आगे निकालने में हमारी हेल्प करेंगे इस मुहिम में? एकदम, मैं साथ हूँ आप लोग, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, सब साथ रखे हम लोग, हार नहीं मानी चाहिए, साथ रहेंगे हर जगह साथ। अनमोल सेवा समिति और एआर फाउंडेशन की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इंडियन रियल अवार्ड शो, तो आपको यहाँ का कैसा लगा? मुझे लगता है कि मैं यही रह जाऊँ, मुझे ऐसा लगा क्योंकि दिव्यांग के लिए सोचना, उस सोच पे प्रयास करना, उस प्रयास को सफल करना, ये असुमेध यज्ञ की सफलता के बराबर है और ये दोनों संस्थाएं मिलकर इस सफलता का लाभ ले रहे हैं। सर तो क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर में भी आप हम लोगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए जो मुहिम चल रही है उसमें आप हमारी हेल्प करेंगे? मैं इसके लिए अपने को समर्थ समझ पाऊँ ये मेरा सौभाग्य होगा और विन विन सिचुएशन में हेल्पिंग कॉन्सेप्ट ही इंडिया को आगे ले जा सकता है। तो ये जो न्यू साइनिंग इंडिया है या जो
नए तरीके का भारत है, इसमें सहयोग करने की भावना की प्रधानता ही इस भारत को परम वैभव पर पहुंचा सकता है। इस नाते मैं आपके सहयोग में हमेशा तैयार हूं। एनजीओ के माध्यम से जो उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है ये ठीक है, लेकिन हम लोग जहां हैं, जैसे जिस गांव में रहें, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस बस्ती में रहें, वहां पे जो दिव्यांगजन है, भाई है हमारे, उनको अगर सुविधा नहीं मुहैया हो रही है तो हम अपने कम से कम जिला कार्यालय तक, जिला विकलांग अधिकारी तक ये बात पहुँचाएं और सबको सुविधा मिलेगी। सरकार ने अपना ऑप्शन खोल रखा हुआ है, बस जानकारी का। ये बात तो सिर्फ कहने की रह गई, ऐसा लगता है लेकिन बीच में बिचौलिए कुछ खाने का चक्कर में रहते हैं और कुछ पहुँचता ही नहीं है। ऐसा है कि ये कहने की बात नहीं है, ऐसे लोग कुछ समाज में हैं जो कि समाज को गंदा कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके नए मंत्री हमारे माननीय अनिल राजभर जी हुए हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर जिला लेवल पर कार्यक्रम लगाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ सांस्कृतिक संकुल बना हुआ है कृष्ण नगर चांदमाड़ी में, वहाँ मंत्री जी ने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा। ये प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा है, ऐसा प्रोग्राम हमने पहली बार देखा, व्हील चेयर प्रतियोगिता जो है ये बहुत ही अद्भुत लग रहा है। और अभी तो अच्छा हो रहा है, सुनीता जी बहुत ही सराहनीय काम कर रही है और अरविंद जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ बुलाए और ऐसा अद्भुत कार्य देखने को मिला।